नमस्कार, मेरा नाम अनुभव सिंह है। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, आपके आसपास, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो मेरा परिचय ये है कि मेरा नाम अनुभव सिंह है और मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में पीएचडी स्कॉलर हूँ। और मैं आपको जो है आपके पाठ्यक्रम का, आपके कक्षा 10 के भूगोल विषय के पाठ नंबर 7 को पढ़ाऊंगा। तो जैसे आपके पाठ्यक्रम का पाठ नंबर 7 का जो नाम है वो है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। ठीक है, तो चलिए किसी भी पाठ को शुरू होने से पहले हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है। रास्ता चलने से पहले हमको मंजिल का पता होना चाहिए, तभी रास्ता और खूबसूरत हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा इस अध्याय का जो मेन उद्देश्य है, जो हमारी मंजिल है, वो है कि जो हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जितनी भी घटनाओं में जैसे कि जो भी आपदाएं आ रही हैं, उसके बारे में जानकारी आपको हो कि वो क्यों घटित हो रही हैं, उसका क्या कारण है, उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे और उससे कैसे बचा जा सकता है, इन सब के बारे में आप जानेंगे। क्योंकि कहा भी जाता है कि जानकारी ही बचाव है। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, कोविड का समय चल रहा है, आप अपने आसपास देख रहे होंगे, तो अगर आपको जानकारी नहीं होती या अगर आप बेहतर जानकारी रखते हैं, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से उनको मैनेज कर सकते हैं और उनको बचा सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारे जो मुख्य उद्देश्य है ये पाठ्यक्रम का, कि हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उसके बारे में हम जानें और उसको कैसे नियंत्रित करना है उसको देखें, और क्या सरकारी तंत्र इस पर कैसे काम करता है, आप कैसे काम कर सकते हैं और अपने आसपास लोगों को का जीवन कैसे बेहतर कर सकते हैं, इन आपदाओं से जो हानि होती है उसको कैसे आप लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, तो सब चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है कि ये हमारी मंजिल है। इस पाठ का मूल उद्देश्य ये है कि आपको अपने आसपास घटने वाली किसी भी संभावित खतरे की पूर्व जानकारी हो। पूर्वानुमान अथवा पूर्व जानकारी से ही विनाश को कम किया जा सकता है और इस अध्याय का यही मूल उद्देश्य है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है प्राकृतिक आपदाएं। आप लोग ये स्लाइड में देख रहे होंगे कि ये पूरी की पूरी बनी हुई है, माफ कीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि ये जो अलग अलग आपदाएं हैं उनका मैंने चित्र यहाँ पर लगाया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपदाएं क्या होती हैं। अब जैसे इस परिभाषा को आप लोग देखिए, ठीक है, इस परिभाषा में अगर हम प्राकृतिक शब्द को हटा देंगे और सिंपल सिंपली उसको पढ़ेंगे तो उन्हीं को हम आपदाएं कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी घटना जिससे मनुष्य के जीवन या सामग्री की हानि पहुंचे उसे आपदा कहते हैं। और आपदा दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक आपदा, जो हमारा इस पाठ का विषय क्रम है, और दूसरी होती है मानवजनित आपदाएं, जो जैसे कि आप लोग जानते होंगे युद्ध होता है, आतंकवाद होता है और अलग अलग तरीके के बायोलॉजिकल, जैसे वेपन्स होते हैं, बायोलॉजिकल यानी कि जैव युद्ध, जो रसायन युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो मानव जनित आपदाएं कहलाती हैं। तो हमारा जो काम है वो हमको पढ़ना है प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि क्या है अप्राकृतिक आपदाएं। क्या है? ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मनुष्य के जीवन या सामग्री की हानि पहुंचे उसे प्राकृतिक आपदा कहलाता है। ठीक है, अप्राकृतिक आपदाएं कई प्रकार की होती हैं, और तो जो मुख्यतः ये हैं, हम लोग देखते हैं जंगलों में आग, एक प्राकृतिक रूप से जंगलों में आग लगती है, या पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा होता है। क्या होता है वहां पे, जैसे जंगलों में आग लगती कैसे, मैं चलिए आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि आप लोगों को कुछ भी नहीं, क्योंकि मूलतः आपके जो इस पाठ्यक्रम में है वो है चार चीजें, एक है बाढ़, एक है सूखा, एक है सुनामी, एक है भूकंप। तो यही चार चीजें आपको जानना है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता देता हूँ। तो जैसे जंगलों में आग, जंगलों में आग क्या होता है कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में लगता है गर्मियों के मौसम में। अब ये लगता क्यों है पहाड़ी क्षेत्रों में? जैसे होता है कि वहां पे गर्मियों के समय जो पेड़ पौधे होते हैं, पतझड़ का मौसम आता है, कई पत्तियां गिरी होती हैं और बहुत ही सूखा एरिया होता है। तो उसका दो कारण होता है, एक तो प्राकृतिक कारण होता है, एक मानव जनित कारण होता है। तो मुख्यतः हम लोग को प्राकृतिक आपदाओं से हम लोग जान रहे हैं, तो प्राकृतिक कारण ही जानेंगे। तो प्राकृतिक कारण क्या होता है कि जब हवा चलती है तो पत्ते, जो सूखे पत्ते होते हैं जिसमें पूरी की पूरी नमी गायब हो चुकी होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि पाषाण युग में पत्थरों को लड़ा करके आग जलाई जाती थी, वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि जो पत्ते होते हैं वो आपस में लड़ते हैं, या कोई लकड़ी के टुकड़े होते हैं आपस में लड़ते हैं और हल्की सी चिंगारी निकलती है। और ये चिंगारी कब आग, भयावह आग का रूप ले लेती है, वो
सिर्फ मिनटों का खेल होता है, ठीक है। तो इस तरह जंगलों में आग लगती है, आंधी। आप लोग तो बिहार क्षेत्र में रहते हैं तो आप लोग जानते ही होंगे कि आंधी बड़े ही रोज देखने वाली चीज होती है। गर्मी के मौसम में या बरसात के मौसम में भी आंधियां आती हैं। तो आंधियां आने का कारण ये होता है कि अगर आपके स्थान का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा है, तो दूसरे जगह पे जहाँ पे जो वायु दबाव है वो ज्यादा हो, तो वहां से जो हवा चलती हुई आपके क्षेत्र पे आती है और बहुत ही तीव्र गति से आती है, ठीक है। तो उनको आंधी बोलते हैं, और अपने साथ जो भी होता है धूल मिट्टी के कण उड़ा के हुए लेकर आती हैं, और फिर और भी जो हल्की चीजें हैं उस वस्तुतः उनको उठा के ले आती हैं। फिर बाढ़ और मूसलाधार बारिश, ये तो शायद बिहार से अच्छा कोई जानता ही नहीं होगा, बिहार और असम से अच्छा। लेकिन जानते ही हैं आप लोग कि जो बाढ़ है वो क्यों आती है, जब पानी ज्यादा बढ़ जाता है, जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो उसको बाढ़ कहते हैं। बिजली गिरना, आप जानते हैं बारिश के मौसम में बिजली गिरती है बिहार में। कई ऐसे आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास, अखबारों में पढ़ते होंगे कि बिजली गिर गई, इन लोगों की मौत हो गई। और इसके बचाव भी आप लोग जानते ही होंगे कि जितना कम हो पेड़ के नीचे रह रहे हैं, दूर रहें, खुले मैदान पर रहें, सर पे हाथ रखे एकदम नीचे की तरफ बैठ जाए, ठीक है। बिजली गिरना ये हो गया, ये जब आप लोग उच्च क्लासेस में पढ़ेंगे तो इसका कारण जान जाएंगे कि ये क्यों आती है। अगला है सूखा। सूखा होता है कि जब आपके यहाँ पर किसी स्थान पर औसतन जो बारिश आपके यहाँ पे हो रही है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर आपके यहाँ 100 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, तो उस जगह पे अगर 25% की कमी हो आ जाए अचानक से, तो ऐसे जगह पर हम लोग क्या बोलते हैं कि वहां पर सूखा आ चुका है। या फिर 50 सेंटीमीटर से कम जिस जगह पर बारिश होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो सूखाग्रस्त इलाका है। महामारी तो अभी बताने की जरूरत ही नहीं है, महामारी जैसे अभी आप देख ही रहे हैं, महामारी का समय ही चल रहा है। तो ये है सिंपली महामारी, जैसे कोविड वाली महामारी है, उससे पहले 1919 में स्पेनिश फ्लू जिस नामक एक बीमारी आई थी, ठीक है। हिमस्खलन और भूस्खलन पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। हिमस्खलन अभी हाल ही में कुछ महीने पहले, जैसे आपने जाना होगा कि जो पर्वतीय क्षेत्र में क्या था कि जो हिम के टुकड़े होते हैं वो पिघलकर अचानक से नीचे आ जाते हैं, और अपने साथ जो भी चीजें होती है सबको वो नीचे लाते हैं, और फिर एक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे अभी हाल ही में सुना होगा कि बांध टूट गया था उत्तराखंड की, ये कहानी, और कई लोग की उसमें दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, कई लोगों की मौत गई थी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। भूस्खलन आप जानते हैं ये भी पहाड़ी क्षेत्रों का ही है। भूस्खलन में क्या होता है, जैसे हिम स्खलन में होता है कि जो बर्फ के टुकड़े होते हैं या बर्फ होती है वो पर्वत जो है वो नीचे आती है। भूस्खलन में जो भूभाग होता है वो पूरा का पूरा नीचे चलाता है। भूकंप, आप लोगों को पता है जो कंपन की स्थिति होती है धरती में, उसको भूकंप कहते हैं। उसके बाद ज्वालामुखी, ज्वालामुखी होता है कि ये भी एक तरह से जब धरती फट के अंदर से अपने लावा निकाल के बाहर फेंकती है, ठीक है। एक तरह से समझिए जी कि जैसे वॉमिट करते हैं हम लोग, उल्टी करते हैं, उसी तरह धरती भी उल्टी करती है, अपने अंदर की जो आग है, जो लावा है, उसको बाहर फेंकती है। फिर अगला है सुनामी। सुनामी अगर समुद्री क्षेत्रों में भूकंप आ जाए तो लहरें बहुत ही ऊंची ऊंची उठ के जो लहरें गिरती हैं उनको हम लोग सुनामी कहते हैं। चक्रवाती तूफान अभी हाल ही में जैसे आया हुआ है गुजरात में, और अभी बंगाल में भी आने वाला है। तो चक्रवाती तूफान भी आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इसके क्यों आता है, क्या क्या कारण है। लेकिन एक चक्रवाती तूफान ये है कि समुद्र से उठा हुआ तूफान होता है जो जमीन की तरफ आता है, और बहुत ही तीव्र गति से ये चलता है, बहुत ही तेज हवाएं इसमें होती है, और बहुत ज्यादा बारिश करता है। उसके बाद बादल फटना। बादल फटना देखिए, हम लोग सोचते हैं कि बादल फट गया, जैसे कपड़ा फट गया या कागज फट गया, ऐसा कुछ नहीं होता। बादल फटने का होता है कि इतनी ज्यादा बारिश हुई कम समय में, इतनी ज्यादा बारिश हुई कि मानो प्रतीत होता है कि बादल ही फट पड़ा है। उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं बादल फटना। उसको ये मत समझिए कि बादल आया अचानक से फटा और पानी गिर गया, वो नहीं होता। बादल फटना बहुत ही ज्यादा बारिश किसी एक समय में हो जाए, मान लीजिए किसी स्थान पर 100 सेंटीमीटर बारिश हो रही हो, वो 2 महीने के अंतराल में, मतलब 2 महीने में मिला के जो औसतन बारिश हो रही है वो 100 सेंटीमीटर हो रही है। लेकिन किसी दिन में, एक ही दिन में अगर मान लीजिए 80 सेंटीमीटर बारिश हो जाए, तो ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं बादल फटना, क्लाउड बस्ट। इससे बाढ़ बाढ़ की स्थिति नीचे बहुत ही भयावह बनती है। फिर ओलावृष्टि, आप जानते ही ओलावृष्टि भी बारिश के मौसम में ही आता है। जो बारिश के टुकड़े, बर्फ के टुकड़े बन जाते हैं, और छोटे बड़े साइज किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, उनको ओलावृष्टि बोलते हैं। हीट वेव क्या होता है?
हीट वेव होता है कि जो अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई औसतन तापमान, अगर उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं कि औसतन तापमान आप लोगों के यहाँ 40 डिग्री है, तो अचानक से 5-6 डिग्री का तापमान बढ़ जाना और कई दिनों तक लगातार रहना, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं हीट वेव। ये शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है, फसल को भी नुकसान पहुंचाता है, और जो आपके पानी के स्रोत होते हैं जैसे तालाब होते हैं, झीलें होती हैं, उनको बहुत ही जल्दी सुखा देता है। तो हीट वेव क्या होती है कि बहुत ज्यादा गर्मी बहुत दिनों तक लगातार रहे। गर्मी के मौसम में अगर गांव साइड रहते हैं आप लोग, बोलते हैं कि एक नौतपा का दिन आता है, 9 दिन सबसे गर्म होते हैं, तो वैसा ही समझिए कि हीट वेव में ऐसा ही होता है। जब बहुत ही तेज लू चलती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बाहर निकल नहीं सकते आप, तो ऐसी स्थिति को हम लोग हीट वेव कहते हैं। हाँ, अब एक और चीज हम लोग हमको ध्यान देने वाली वो है कि ये जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये बहुत ही प्राकृतिक चीजें हैं, ये मानव द्वारा सृजित नहीं है। ये प्रकृति अपने आप को जब बैलेंस करती है, प्रकृति अपने आप को नियंत्रित करती है, तो उसी का ये जो रिजल्ट है वही है प्राकृतिक आपदाएं। तो ये बड़ा ही प्राकृतिक चीज है, इसमें वो मतलब सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर नियंत्रण से बाहर चली जाए तो वो आपदा बन जाती है। अगर नियंत्रण में रहे, मानव जनित मानव को ना हानि पहुंचाए, ज्यादा आर्थिक हानि ना हो, तो ऐसी स्थितियों में ये धरती के लिए भी लाभकारी होता है और आम जन के लिए भी लाभकारी होता है। ठीक है, बस इनको आपदा तब बोलते हैं जब ये हमारे हम इसके जो इफेक्ट पड़ते हैं उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे इस विषय में, इस पाठ में 4 प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूकंप, बाढ़, सूखा और सुनामी। तो सबसे पहले भूकंप के बारे में जान लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा रीडिंग कर देता हूँ, उसके बाद मैं भूकंप के बारे में बताऊंगा और आपको अच्छे तरीके से। देखिए, भूकंप क्या होता है, धरती में अचानक हिलने की घटना भूकंप कहलाती है। जब पृथ्वी के आंतरिक गर्म पदार्थों के कारण हलचल उत्पन्न होती है तो भूकंप की स्थिति होती है। तो ये आंतरिक गर्म पदार्थ, ये आप लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी इसको इतना जानने की जरूरत नहीं है। बस ये समझिए कि जब धरती हिलती है तो उस स्थिति को हम लोग भूकंप कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा ये है कि जो भूकंप होते हैं ये बिना किसी चेतावनी के आते हैं। आपको नहीं पता कब भूकंप आ जाए, आप बैठे अचानक से धरती हिलने लग गई, आपको नहीं पता है, आप अंदर भी बैठे हो सकते हैं, तो ऐसी जब स्थिति आती है तो उसको भूकंप कहते हैं। ठीक है, और हाँ, अब देखिए कि जैसे ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर हर एक भूकंप का जो एक केंद्र बिंदु होता है, तो जो ये केंद्र बिंदु है ये भूकंप का केंद्र कहा जाता है। ठीक है, और इसके 90 डिग्री या जो इसके एकदम ऊपर स्थान होता है उसको एपिसेंटर बोलते हैं। जो भी उसको अक्षांशों और देशांतरों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि ये आप चंपारण में रह रहे हैं, चंपारण के नीचे केंद्र बिंदु है भूकंप का, और इस केंद्र बिंदु के जो ऊपर है वो है चंपारण नाम की जगह। तो जब हम बोलेंगे कि भूकंप आया है और उसका जो केंद्र बिंदु है या जो एपिसेंटर है वो कहाँ पर है, चंपारण जिले में है। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक भूकंप का बारे में है। अब देखिए, जो भूकंप की तरंगे होती है रिक्टर स्केल से नापा जाता है, ये 1 से 9 तक के आधार पर नापते हैं। वैसे 1 से लेके ये अनंत तक होती है, लेकिन अभी तक 8.8 से ज्यादा बड़ा कोई भूकंप आया नहीं है, तो हम लोग आमतौर पर मानते हैं कि 1 से लेके 9 तक के ही भूकंप आ सकते हैं अभी तक, जो हमारे रिकॉर्डिंग हिस्ट्री में है। आगे क्या पता इससे भी बड़े भूकंप आ सकते हैं। अब देखिए, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है, इस स्केल के अंतर्गत प्रति स्केल भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसको समझिए, इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए तीव्रता किसी भूकंप की 1 है, ठीक है, उससे जो हानि पहुंचेगी, इससे जो डिस्ट्रक्शन होगा, और ठीक है, उससे 10 गुना जो तबाही पहुंचेगी, वो पहुंचेगी क्या नाम है, तीव्रता 2 वाले भूकंप में। ठीक है, तो मतलब कि अगर 1 से लेके 2 से लेके 3 की तरफ हम बढ़ते जाएंगे तो जो भूकंप की तीव्रता है वो 10 गुना बढ़ती जाती है। तो अगर मान लीजिए 1 से लेके पहले किसी एरिया में एक तीव्रता का भूकंप आया, ठीक है, तो हम मानेंगे तो जो थोड़ा थोड़ा उसकी जो ताकत है वो थोड़ी मोड़ी है, ज्यादा नहीं है। अगर 3 तीव्रता का आ जाएगा तो हम मतलब कि बोलेंगे कि अगर मान लीजिए पहले भूकंप में सिर्फ कुर्सी ही हिली थी, तो उससे 30 गुना, 30 गुना नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, उससे 1000 गुना
10 गुना 10 गुना 10 यानी 1000 गुना जो है वो उसकी जो ताकत होगी वो इतनी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसे 10 गुना 10 गुना 10 गुना आप लोग 9 तक करते रहेंगे, उतनी ताकत होती है 9 के जो भूकंप हो जिसकी तीव्रता नापते हैं 9। ठीक है, इतना तीव्र हो जाता है वो। आमतौर पर माना जाता है कि जो 7 रिक्टर स्केल पर 7 के ऊपर के जो भूकंप होते हैं 7 8 9 वो सबसे भयानक होते हैं, वो पूरी जो बिल्डिंग्स होती हैं जो घर मकान उन सबको गिरा देते हैं। बाकी इससे कम आते हैं तो कंपन महसूस होता है, बिल्डिंगें हिलती हैं, अगर आपके घर कच्चे में नहीं है पक्के बने हुए तो उसको झेल ले जाते हैं, थोड़े बहुत घर में जो है वो दरारें आ सकती हैं लेकिन जो पूरी की पूरी बिल्डिंगें नहीं गिरती हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ ये चीज। अब देखिए अगला है भारत के भूकंपीय क्षेत्र। देखिए ये जो भारत में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, तो यहाँ पे भारत के नक्शे में इन्होंने भारत को 5 भागों में बांटा हुआ है। 5 भागों यानी 5 जोन्स में बांटा हुआ है। जोन मतलब क्षेत्र 1, क्षेत्र 2, क्षेत्र 3, क्षेत्र 4, क्षेत्र 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जोन 1, जैसे ये नीले रंग के जो जोन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि भूकंप की जो आशंका है कि ये कम मतलब जो आने के चांसेस हैं वो बहुत ही कम है, तो इनको हम जोन 1 में रखते हैं। और जो जोन 5 है वो देखिए जो लाल रंग से दिखा रखा है जोन 5, ये सबसे भयानक जो भूकंप आते हैं ये जोन 5 में आते हैं। ये देखिए ये पर्वतीय क्षेत्र है, इसके बाद ये बिहार का उत्तरी जो भाग है भूभाग है, यहाँ पे भूकंप के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे एरिया को हम लोग जब ऐसे ये एक जो है मानचित्र है पूरे भारत का, इसमें आप लोग देख सकते हैं नीले क्षेत्र में कम चांसेस हैं कि यहाँ पर भूकंप आएगा, फिर पीले क्षेत्र में उससे थोड़ा ज्यादा चांसेस हैं, फिर हल्का सा ये जो डार्क है पीले का ही शेड है तो यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा आ जाएगा, और जो लाल वाला है वो सबसे ज्यादा भयावह है, मतलब वो वहां पे कभी भी आ सकते हैं और सबसे ज्यादा आ सकते हैं। सबसे ज्यादा की मतलब कि अगर मान लीजिए जो जोन 1 में अगर वहां पे 10 साल 15 साल 20 साल में एक बार भूकंप आ रहा है तो पता चल रहा है कि जो जोन 4 वाले एरिया है जो आप लोग लाल कलर से देख रहे हैं, लाल रंग से, वहां पे पता चला साल में 2 3 झटके 3 4 झटके, साल साल में क्या पता 10 10 झटके भी आपको महसूस हो रहे हैं। तो इस वजह से इनको हम लोग जोनिंग में डिवाइड करते हैं, मतलब ये जैसे जैसे जोन बढ़ते जाएंगे 1 से 5 की तरफ वैसे वैसे भूकंप के जो आने के चांसेस है या भूकंप के जो गिनती है वो बढ़ती जाती है। अब अगला है सूखा। देखिए सूखा क्या है, सूखा और बाढ़ एकदम एक दूसरे के विपरीत है। सूखे में क्या होता है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 25% की कमी आ जाए जो आपके यहाँ औसत बारिश हो रही है। जैसे अगर मान लीजिए चंपारण में बारिश 100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हो रही है, वहां किसी वर्ष 70 ही सेंटीमीटर बारिश हुई तो सरकार उस एरिया को सूखा घोषित कर देती है। ठीक है, तो मतलब कि वहां सूखा घोषित हो गया, आपको फिर दूसरे जो भी सोर्सेस होते हैं वहां से आपको पानी निकालना पड़ेगा खेती करने के लिए या पीने के लिए जो भी होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति को हम लोग सूखा बोलते हैं। और किसी स्थान पर अगर मान लीजिए 200 सेंटीमीटर है, वहां का 25% कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर यानी 150 ही सेंटीमीटर बारिश हुई, तो ऐसे एरियाज को हम सूखा घोषित मतलब ऐसे क्षेत्रों को हम बोल देते हैं कि ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है। मतलब ये मुख्यतः जो बारिश की मात्रा है वो उस पर डिटरमाइन करता है, और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। और जो दूसरा होता है सामान्यतः अगर 50 सेंटीमीटर से जो कम वाले वर्षा वाले क्षेत्र हैं उसको वहां पर हमेशा सूखा की स्थिति बनी रहती है। अब जैसे ये मानचित्र देखिए, यहाँ पे जो लाल वाला एरिया ये राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया, ये पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं इसके जो पूर्वी पे, तो यहाँ पे सूखा की स्थिति ज्यादा बनी रहती है। फिर ये बुंदेलखंड वाला आप लोग क्षेत्र देख रहे हैं, फिर ये कुछ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में है बघेलखंड वाला एरिया, ये उड़ीसा और बंगाल के बीच में है, फिर ये उड़ीसा वाला एरिया, यहाँ पे बहुत सारी हीट वेव्स आती हैं, फिर ये झारखंड और पठारी क्षेत्र यहाँ पर भी है, झारखंड और बिहार के बीच में, तो ये सब सूखाग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, अब आता है बाढ़। बाढ़ मैंने बताया आप लोगों को सूखा का एकदम ही विपरीत होता है। तो बाढ़ में क्या होता है कि चलिए मैं पढ़ लेता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं। बाढ़ किसी क्षेत्र में अत्यधिक पानी के जमा होने के कारण होती है, यह अक्सर भारी बारिश का नतीजा होता है। कई इलाकों में बाढ़ नदियों को जल स्तर बढ़ने से आती है। समुद्री इलाकों में जब चक्रवात या सुनामी की घटनाएं घटित होती हैं तो वह बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है,
ये वैसे यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा वहां पर, ठीक है। इससे जीवन का नुकसान, बीमारियों में वृद्धि, मूल्य वृद्धि, आर्थिक नुकसान और अन्य मुद्दों के अलावा पर्यावरण का विनाश होता है। अब बिहार, तो ये देखिए मैप में देखिए, मानचित्र में देखिए, ये जो नीला वाला एरिया है जहां जहां वहां पे बाढ़ ज्यादा आते हैं, तो बिहार तो पूरा ही नीले रंग में रंगा हुआ है, अगर दक्षिण वाला हिस्से को छोड़ दे तो, ठीक है। बिहार में तो कोसी को बोला भी जाता है शोक नदी, सॉरी ऑफ बंगाल, ठीक है। तो अब देखते हैं बाढ़ होता क्या है। बाढ़ ये भी एक, मैंने जैसे बताया ना कि प्राकृतिक आपदा बिल्कुल प्राकृतिक है, जब कोई भी चीज हमारी कैपेसिटी से ज्यादा हो जाए, एक जो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर जाती है वहां के बाद हमको हानि पहुंचती, तो बाढ़ भी एकदम नेचुरल है। बाढ़ आता है अपने साथ, बारिश के मौसम में ढेर सारा पानी लाती है, नई मिट्टी लेकर आती है और आसपास अपने क्षेत्रों में नई मिट्टी देती है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब बाढ़ चली जाती है तो जो नई मिट्टी वाला एरिया होता है वहां पे खीरे, तरबूज, इन सब की फसलें उगाई जाती हैं, है ना। तो बाढ़ बिल्कुल ही प्राकृतिक होता है, बड़ा ही मतलब इससे बेनिफिट होता है। लेकिन स्थिति तब असामान्य हो जाती है जब ये अचानक से आ जाए और बहुत ज्यादा आ जाए, और आप जहाँ पे रिहायशी इलाकों में जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं वहां पर आ जाए और पूरे के पूरे क्षेत्र को डुबा दे, पानी के आवेश में ले ले। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पानी, जो रुका हुआ पानी है, वो तो बीमारियां ही पैदा करता है। आप लोग देखते भी होंगे कि घर में अगर आप पानी रख दे, थोड़े दिनों बाद कीड़े पड़ जाते हैं उसमें। वैसा ही यहाँ पर भी है कि पानी है, उसके बाद पानी में सड़न पैदा होने लग जाती, नए कीटाणु पैदा होते हैं, मलेरिया रोग आ जाता है और फिर आए दूसरे चीजें होती हैं। आप इधर से उधर जा नहीं सकते, रोड जाम है, आपकी रोडें पूरी की पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं, आपके घर भी नष्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर आपको मान लीजिए फ्रेश होना है तो आप कहाँ जाएंगे, हर जगह तो पानी भरा हुआ है। फिर पीने का, इतना पानी होने के बावजूद भी आपके लिए पास पीने का पानी नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति क्या होती है, ये बाढ़ कहलाती है। और बिहार में तो सॉरी बिहार में तो बाढ़ बड़ी ही आम बात है, कभी भी आ जाती है कोसी। अब देखिए कोसी में बाढ़ आने के दो कारण होते हैं। पहले तो वहां पे बारिश ही ज्यादा होती है जहां से आती है, नेपाल की तरफ से, तो अब बारिश ज्यादा। और दूसरा ये है कि जिस एरिया से आती है, जिस क्षेत्र से ये आती है, वहां पे ऊंचे पहाड़ हैं। बिहार से जैसे आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे तो जो वहां पे आप लोग बिहार से अगर नेपाल की तरफ जाएंगे तो अचानक से ही पहाड़ों की जो ऊंचाई है बहुत तेजी से बढ़ती है, बाकी जगह पे धीरे 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 बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे अचानक से बढ़ती है। तो जो नदी है कोसी नदी, सप्तकोसी जिसको बोला जाता है, सात नदियों का संगम, वो जो सप्तकोसी ऊपर से आ रही होती है, जो कोसी नदी ऊपर से पानी लाती है, तो ढेर सारा अपने साथ चट्टाने तोड़ते हुए सेडिमेंट्स लेकर आती है, यानी रेत लेकर आती है, ठीक है। और रेत को आके इकट्ठा कर देती है मैदानी क्षेत्रों में। तो जब मैदानी क्षेत्रों में रेत धीरे धीरे इकट्ठा होने लग जाती है तो नदी अपना रास्ता बदल देती है, और जब रास्ता बदलती है तो आपने क्या किया, आपको पता है कि इस जगह से नदी बहती है, और कोसी क्या करती है, कोसी पता चला कि 2 किलोमीटर दूर बहने लगी। वो इस वजह से होता है कि वो इतना ज्यादा रेत आती है कि अपना रास्ता खुद ही बंद कर देती है और फिर दाहिने तरफ से या बाएं तरफ से इधर उधर से वो निकल जाती है, और फिर किसी भी क्षेत्र में घुसते हुए वहां पे बाढ़ पैदा करते हुए, पूरा नष्ट करते हुए आगे चली जाती है। अब जैसे आपको अगर मैं बताऊं कि ये कैसा समझना है, तो एक उदाहरण के तौर पर आप क्या कीजिए, ग्लास में पानी रखिए, ठीक है। एक ग्लास में जब आप पानी भरेंगे तो पूरा ही पानी आ जाएगा। एक ग्लास बराबर मान लीजिए अगर आधा लीटर का ग्लास है, ठीक है, या 200 ml जितना भी है उस पे पानी 200 ml आ गया, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ग्लास लिया हुआ। अब क्या कीजिए उसमें कि ढेर सारी शक्कर भर दीजिए, आधा ग्लास शक्कर भर दीजिए, ठीक है, और फिर से उसमें किसी जो दूसरे ग्लास में आपने फुल पानी भरा हुआ था उसको उसमें डालिए, तो क्या आपको लगता है 200 ml पानी आएगा उसमें? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि उसमें शक्कर है। तो वही शक्कर समझ लीजिए कि जो रेत है, नदी है, वो शक्कर के समान रहता है, वो अब पानी की जगह ही नहीं बचती, तो किसी दूसरे जगह पर ही जाएगा। आप जब आप ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी डालेंगे तो पानी क्या है, पानी ऊपर से ओवरफ्लो करते हुए नीचे बह जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही सप्तकोसी, ऐसा ही कोसी नदी में भी होता है। तो जो बाढ़ की स्थिति है वो बहुत ही भयावह हो जाती है, बीमारियां पैदा करती हैं, पूरा संचार तंत्र आने जाने का और जो भी होता है वो बड़ा ही नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। अब देखते हैं सुनामी। सुनामी में आपको बताना भूल गया, देखिए सुनामी कुछ नहीं है, सुनामी जब समुद्र में भूकंप आता है तो बड़ी ही ऊंची लहरी निकलती है, ठीक है, तो उसको हम लोग सुनामी बोलते हैं। जैसे ये देख ले कि ये एक डायग्राम है, यहाँ पे देखिए जो सुनामी है, ये क्या हुआ कि यहाँ पे एक दीवार थी, उसको दीवार को भेदते हुए ये पानी आ गया। क्या हुआ, ये जापान का है वैसे फोटो। यहाँ पे क्या हुआ कि समुद्र में भूकंप आया और बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें
आई और आसपास सब डुबाते हुए चली गई। ये देखिए यहाँ पे कार डूब रही है, ये कार एकदम खिलौनों की तरह जा रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं, ऐसी जो चीजें होती हैं उनको हम लोग सुनामी बोलते हैं। अब आते हैं कि जो सरकारी तंत्र है उसको कैसे इन आपदाओं से निपटता है, उसका क्या क्या जो प्रोसीजर है वो क्या है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमको पता है कि जो हमारे सरकारी तंत्र है वो तीन स्तरों पर चलता है, एक केंद्र सरकार या राष्ट्रीय स्तर पर, एक राज्य सरकार जो स्टेट के स्तर पर चलता है, और एक तीसरा होता है जिले स्तर पर। फिर जिले के नीचे भी होते हैं, जिले के नीचे आप ब्लॉक लेवल पर जाएंगे, उसके भी नीचे जाएंगे तो आप ग्राम पंचायत के लेवल पर जाएंगे। तो ऐसा ही जो प्राकृतिक आपदा होती है इनको भी ऐसे ही नियंत्रण में किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है वो होती है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको अंग्रेजी में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहा जाता है। ये 2005 में एक अधिनियम के द्वारा आया गया था, और इसके जो मुख्य होते हैं वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, और इनके बाकी और 9 सदस्य होते हैं इनको असिस्ट करने के लिए, लेकिन जो मुख्यतः जो मेन होते हैं वो है हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्तर पर। जैसे अभी कोविड आया था पिछले साल, लॉकडाउन लगा था 2020 में, तो उसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के द्वारा एक आपने एक्ट पास किया, और उसके बाद पूरा का पूरा केंद्र सरकार ने अपने ऊपर ले लिया और देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ी आपदा थी और पहली बार कोई एक ऐसी आपदा देश ने देखी थी बहुत दिनों बाद, 100 साल बाद। और दूसरा है राज्य स्तरीय संस्थाएं। राज्य स्तरीय संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय स्तर पर होता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, वैसे ही राज्य में होता है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसका जो हेड होता है, इसका जो मुख्य होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री, इनके लिए भी मदद करने के लिए भी और सदस्य होते हैं। ये राज्य स्तर पर देखते हैं कोई भी अगर आपदा हुई, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे कोसी में बाढ़ आया तो वो सिर्फ राज्य की ही बात है, तो वो कोसी की जो बाढ़ है वो उसके लिए तो जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं जैसे अभी नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार जी ही देखेंगे। ठीक है, उसको आप तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखेंगे नहीं। ठीक है, तो ये अगर किसी राज्य में आ रहा है जिसकी कोई बाढ़ या कोई भी आपदा अगर किसी राज्य में आ रही, तो वहां की जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो ही उसको नियंत्रण करती है। ठीक है, अब मैं पहले जैसे मैंने बताया कोविड वाला, वो पूरे देशव्यापी एक आपदा आई थी, तो देशव्यापी था तो प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में ले लिया, प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि किसी राज्य स्तर पर अगर कोई भी घटना घटित होती है तो वो राज्य के मुख्यमंत्री अपने हाथ पर लेते हैं। अब मान लीजिए किसी जिले में आ गई, किसी बिहार के एक जिले में आ गई, मान लीजिए कोई भी जिला हो सकता है, चंपारण के तौर, चंपारण को ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, चंपारण जिले में कोई अगर घटना घटित हो कि भी कोई बीमारी आ गई, हल्का भूकंप आ गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, तो जिससे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, लेकिन हाँ चंपारण में बहुत बड़ा इसका इफेक्ट पड़ा है। तो इसमें क्या होता है कि जो जिला स्तरीय संस्थाएं होती हैं, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, कलेक्टर जिनको बोलते हैं, वो इसको जो इंचार्ज होते हैं वो इसको इसके रोकथाम के लिए या इसके बाद जो भी क्या करना है क्या नहीं करना है जिले स्तर पर वो ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया ब्लॉक लेवल पर होता है, उसके बाद ग्राम पंचायत लेवल पर होता है, तो ये सब एक हायरार्की बनी होती है और सब एक दूसरे को मतलब कंट्रोल करते हैं जितना भी हो सकता है, मतलब कि किसी भी चीज को, स्थिति को नियंत्रण करने के लिए। तो हम छोटे से छोटे स्तर पर ही अच्छे से नियंत्रण कर सकते हैं, सिर्फ ऊपर से आदेश दे देने से तो नियंत्रण चीजें में होंगी नहीं। अब जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, उदाहरण के तौर पर जैसे पिछले साल लॉकडाउन हुआ था, बाहर से लोग आ रहे थे, माइग्रेंट लेबर्स जो मतलब दूसरे राज्य में काम करने वाले लोग हैं, वो अपने अपने गाँव जब वापिस आ रहे थे तो उनको आदेश मिला था। उनको आदेश ये था कि जो भी सरकारी स्कूल में है उस पे जो ग्राम प्रधान है उस सरकारी स्कूल में कोरोना सेंटर बनाया जाए और उनको वहां पर 14 दिन के लिए रोका जाए। ठीक है, तो ये क्या है, एकदम ही छोटे स्तर पर हो रहा है। जब किसी चीज को नियंत्रण करना है तो छोटे स्तर पर ही कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, जो सबसे नीचे का स्तर है, जो ग्राम पंचायत होता है जिसका मुखिया ग्राम प्रधान होता है, उसके स्तर पर हमने इसको किया। ठीक है, अगर उससे बड़ी एरिया है, अब पूरे जिले में तो कई सारी ग्राम पंचायतें होंगी, ठीक है, तो हर ग्राम पंचायतों में क्या नियंत्रण हो रहा है उसके रख रखाव के लिए, उसके देखने के लिए एक ब्लॉक स्तर पर हम लोग, जो ब्लॉक स्तर का अधिकारी होता है, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO होता है, वो अपने स्तर पर देखेगा। फिर डिफरेंट डिफरेंट जो अलग अलग ब्लॉकों को बारे में कि इस ब्लॉक में क्या हो रहा है, किस ब्लॉक में ज्यादा बढ़िया काम हो रहा है, किस पे हमको ध्यान देना है, वो जिला स्तर पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो करता है। ठीक है, मैं आपको एक अभी उदाहरण बता रहा हूँ क्योंकि हाल फिलहाल का उदाहरण है, आपने देखा भी होगा कि
गांव में जब आए थे बाहर से लोग, तो उनको सबसे पहले सरकारी स्कूल में क्वारंटीन कराया गया था 14 दिन के लिए, कि अलग से रहें, गांव में ना जाए, बीमारी फैलने का डर है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि कौन बीमार है कौन बीमार नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही जो भी चीजें होती हैं उनको ऐसे ही नियंत्रण किया जाता है। और ये एक बिल्कुल ही छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में अगले जो चैप्टर्स आएंगे उसमें हम और अच्छे से जानेंगे। तो ये है सिंपल सा एक वेरी वेरी छोटा सा इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा आप लोगों का प्रश्न पत्र, जो अभ्यास आपके ये चैप्टर में पहले में दिया हुआ है। ठीक है, जो पहला खंड है, अब इसमें देखते हैं, जैसे सवाल मैंने आपको बताया था आपदा की, अगर आपको परिभाषा चाहिए तो आपने जो सबसे प्राकृतिक आपदा से प्राकृतिक शब्द हटा दीजिए, वो आपदा की परिभाषा हो जाएगी। अगर फिर प्राकृतिक जो आपदा होती है वो तो होती, मैंने बताया था आपको, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, अगर आपको उसकी परिभाषा लिखनी कि प्राकृतिक आपदा क्या होती है, तो आप प्राकृतिक उसमें शब्द जोड़ दीजिए आपदा से पहले। अगर मानव जनित आपदा आपको जोड़ना है तो मानव जनित जोड़ दीजिए आपदा से पहले, तो वो बड़ा ही आसान सा तरीका है। ठीक है, चलिए आप सवालों को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा को मैंने आपको लिस्ट पूरी दिखा दी थी, अब इनमें से आप लोग आसानी से बता सकते हैं, एक बार खुद से कोशिश कीजिए फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देख लिया होगा, सुनामी बिल्कुल प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ बिल्कुल प्राकृतिक आपदा है, भूकंप बिल्कुल प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद क्या है, ये मानव जनित आपदा है। ठीक है, दूसरे सवाल पे आते हैं, इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है, इनमें से पूछा है कौन सा मानव जनित आपदा है। सांप्रदायिक दंगे बिल्कुल मानव जनित है, क्योंकि तो इंसान ही इंसान को मारता है, तो ये इंसान ही कर सकता है। और उसके बाद आतंकवाद, अभी हमने देखा इससे पहले वाले सवाल में, और महामारी तो बिल्कुल ही देखा, अभी जैसे ये कोविड वाला आया, कहते हैं कि चाइना ने ही फैलाया है अपने लैब से, उसकी भी जांच हो रही है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे भी लगता है उन्होंने ही फैलाया होगा, जो भी उसके अपने अलग कारण होते हैं। ठीक है, उसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इस सवाल पर आते हैं कि इनमें से कौन सी मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, तो इसमें जो हमारा घा ऑप्शन है उपयुक्त सभी ये होगा। फिर है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, ये मैंने आपको बता दिया था सुनामी के में कि समुद्र में भूकंप का आना ही जो है वो सुनामी का कारण है, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना इतना ज्यादा प्रभाव नहीं डालता, इसलिए डालता है लेकिन इतना ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है, द्वीप पर भूकंप आना भी हो सकता है, अगर यहाँ पर होता कि इनमें से सभी, तो शायद हमको इनमें से सभी करते हैं, लेकिन इसमें से है इनमें से कोई नहीं, तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो सबसे बढ़िया ऑप्शन हमारे पास जो विकल्प है वो है समुद्र में भूकंप का आना, इसको ही हम लोग टिक करेंगे। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, आपदा से आप क्या समझते हैं, मैंने बता दिया आपको, आपदा प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, आपदा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, ये आपको इसका उत्तर मिलेगा जब मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था, जैसे मैं जाता हूँ आवश्यकता क्यों है, क्यों है, क्योंकि पूर्वानुमान अथवा पूर्व जानकारी से ही विनाश को कम किया जा सकता है, और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं आपदा के बारे में जानते हैं, और प्रबंधन इस वजह से ताकि हानि जो जो है लोगों को ज्यादा ना पहुंचे, जिन लोग जो लोग बेघर हो गए हैं उनको घर मिले, जो लोग बीमार हैं उनको इलाज मिले, तो ये सब प्रबंधन के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता है, तो इस वजह से आपदा प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। आपदा प्रबंधन के जो अलग अलग लेवल होते हैं वो मैंने आपको बता दिया था, राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के, फिर स्टेट स्तर पर मुख्यमंत्री जो होता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और सबसे नीचे ग्राम पंचायत के स्तर पर जो ग्राम प्रधान होता है। अब ये दीर्घ उत्तर यानी लंबे सवाल, बड़े सवालों का, ठीक है, तो इसमें आते हैं दीर्घ उत्तरी में क्या है कि प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर सही उदाहरणों के साथ प्रस्तुत कीजिए, ये कुछ नहीं है, ये यही सवाल है, अब इसमें उदाहरण देने हैं, आपने उदाहरण लिख देने हैं, मानव जनित और प्राकृतिक में क्या क्या होते हैं, मानव जनित में आपको मैंने बताया था रसायन युद्ध, जैव युद्ध, महामारी, आतंकवाद, ये फिर देखिए लिखा हुआ है ना, सांप्रदायिक दंगे, ठीक है, ये सब आ जाएंगे मानव जनित में, और उसके बाद तो इसमें है ही, और अगर आपको लिखना है तो आप लोग सीधा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद अपना नोट्स बना सकते हैं। फिर अगले सवाल पे आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता अनिवार्यता का वर्णन कीजिए, आवश्यकता और अनिवार्यता भी मैंने बता दिया आप लोगों को, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है इस चीज पर, ठीक है,
कि जानकारी ही हमारा बचाव है। अनिवार्यता ये है कि जो लोग परेशान हो गए हैं, जो लोग टूट जिन लोगों का घर गायब हो गया है, मतलब सॉरी बेघर हो गए हैं, या जो लोग बीमार हैं, रोडे अगर टूट चुकी है, तो उन सबको हम लोग को रिपेयर करना पड़ेगा, उन सबको उन सबकी मरम्मत करनी पड़ेगी। तो इस वजह से जो आपदा को प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। अब इसकी संकल्पना क्या है? संकल्पना कुछ नहीं है, संकल्पना जो हमने ये देखा यही संकल्पना है। बस इसमें दो चीजें ऐड कर दीजिएगा आप लोग, दो चीजें जोड़ दीजिएगा। एक है ब्लॉक स्तर पर जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है या ब्लॉक प्रमुख होता है वो देखते हैं उस चीज को, और फिर उसके बाद ग्राम पंचायत के स्तर पर जो ग्राम प्रधान होता है और जो वीडियो होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वो देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये है छोटे मोटे सर, ये बड़ा ही आसान है और मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसमें को परेशान होने की कोई जरूरत है। बड़ा ही आसान सा विषय है ये, और परेशान नहीं होना है, व्याकुल नहीं होना है कि भाई क्या है ये, कुछ नहीं, एकदम मजे से हो जाता है सब। ठीक है, अब देखते हैं कोई भी चीज को जो नियंत्रण है वो आम जनमानस के सहयोग से ही उसको नियंत्रण कर सकते हैं। अब सरकार ने अगर आदेश दे दिया, आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं, तो नहीं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सरकार एक बार फाइन लगाएगी, दो बार फाइन लगाएगी, तीसरी बार बोलेगी भैया लगा ला तनी मास्क, ठीक है, जैसे कोविड में हो रहा है, गांव साइड आप देखते होंगे या आप शहरों में भी देखते होंगे, कोई मास्क यहाँ लगाए है, कोई इसको ऊपर लगाए हुए है, कोई लगाए ही नहीं है, उनसे बोलो तो मानते ही नहीं है। तो फिर पुलिस भी क्या करती है, कोई बिना मास्क के निकलता है तो किसी को माला पहना देती है, किसी के सामने बाजा बजाती है और किसी को मास्क दे देती है, तो फिर आपको हाथ ही जोड़ना पड़ सकता है उनसे। ठीक है, तो ये है सबसे पहले कि कोई भी प्रबंधन कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें आम जन की, या जान नहीं है सॉरी, जन है, ठीक है, इसको कोई दूसरा जान मत समझ लीजिएगा, आम जन की सहभागिता नहीं होती। आम लोगों की सहभागिता और पंचायत की मदद से ठोस प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकते हैं, और ये निर्णय ही दीर्घकाल में प्रबंधन हेतु आवश्यक होते हैं, ठीक है। मैंने बताया आप लोगों का सहयोग से ही सब कुछ होता है। जैसे चींटियों को आप लोग देखते होंगे, चींटी क्या करती है, लाइन से जाती है, धीरे धीरे सब अपना खाना इकट्ठा कर लेती है, वैसे यहाँ पर भी है कि जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे सरकार का, तो सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है। सरकार से आपको शिकायतें हो सकती हैं, कोई भी सरकार हो, ठीक है, लेकिन जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो सरकार भी सुचारू रूप से काम नहीं कर सकती है। तो सबसे अच्छा यही है कि अगर ऐसी कोई आपदा आए तो आप दूसरों की मदद कीजिए, सबसे पहले अपने आप को बचाइए, दूसरों की जितनी ज्यादा मदद हो सके कीजिए ताकि कम लोगों को परेशानी हो। और यही है, ये एक बेसिक सा जो है इंट्रोडक्शन था, प्रस्तावना था, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को आ गया होगा। बाकी इन चारों भूकंप, सूखा, बाढ़ और सुनामी के बारे में आगे हम जानेंगे, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको हो गया होगा, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी और आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर क्यूरीज वगैरह डाल सकते हैं, मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा बिल्कुल। तो और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पता नहीं कब तक दांत साथ दें आप लोगों के, ठीक है, मेरे भी अभी तो है ही, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परेशान मत होइएगा बिल्कुल, ठीक है, कोई इतना कुछ नहीं है, सब आसानी से हो जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करता हूँ आप लोगों को आया होगा। और अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, धन्यवाद।